Cricket TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first, then you will get all the new notifications and updates. नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट कायनात कवल और आप देख रहे हैं जेके टीवी। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। जिसकोल सहावत खान सुदरजोई श्रीनगर बरास्ता चकोटी, आज़ादी मार्च के शुरका का जिसकोल में धरना 10वें रोज भी जारी। मौसम सख्तियों के बावजूद शुरका पुरज़्म। धरना कायदीन की जानब से 48 घंटों की मोहलत अभी बाकी। अकवामे मुत्तहदा P5 मेंबरान के नुमाइंदगान के अलावा मुज़ाकरात कबूल नहीं। धरना कायदीन, भूख हड़ताल। 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग से खूनी लकीर रौंदने की इब्तदा समेत दीगर ऑप्शंस पर गौर कर रहे हैं। धरना कायदीन, हतमी फैसला पार्टी के मशावरत से ही किया जाएगा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग अभी जारी। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के तर्जमान रफीक डार की धरना कायदीन के हमरा श्रीनगर रोड जसकोल के मुकाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने दफ्तर हारजा पाकिस्तान को खत लिख दिया है। रफीक डार, मकबूजा कश्मीर 17वें रोज़ भी फौजी मुहासरा। वादी का दुनिया से रबता मुनकता। एहतजाजन तमाम दुकानें बंद, ट्रांसपोर्ट की शदीद मुश्किल। भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग ने पूरे खत्ते का अमन खतरे में डाल रखा है। राजा फारूक हैदर। आपने जानी अब एक नज़र खबरों की तफसीलात पर। जसकोल धरना अपने 10वें रोज भी जारी। हतमी फैसला पार्टी की मशावरत से किया जाएगा। धरना कायदीन का कहना है कि हम पुरम लोग हैं, पहले दिन से तसादुम नहीं चाहते। मुतालबात पूरे ना हो सके तो तमाम ऑप्शंस का इस्तेमाल किया जाएगा। धरना शुरका का कहना है कि 70 रोज से हमारे लोग मुकीद हैं। शुरका का मजीद कहना था कि श्रीनगर जम्मू जाकर अपने लोगों की मदद करना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस, कश्मीर में आलमी अमन फोर्स तैनात की जाए। सिक्योरिटी कौंसिल के मुस्तकिल मेंबरान के नुमाइंदे सीज फायर लाइन का दौरा करें। JKLF के आज़ादी मार्च और धरना में ताज़ा दम काफिले तसलसल के साथ पहुंच रहे हैं। इस बारे में वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदा नईम खान से जानते हैं कि वो अब ताज़ा खबर क्या पेश कर रहे हैं। जी नाज़रीन, नाज़रीन जम्मू कश्मीर टीवी इस वक्त एक और काफिला यहाँ पर पहुंच चुका है और दीरकोट से जिला बाग से ये काफिला आया और इनका जोश व खरोश आप देख रहे हैं। सुबह से ही काफलों की कतारें यहाँ पर आती जा रही हैं और लोग शदीद जज्बाती अंदाज में, चूंकि कल के दिन की डेडलाइन हमने दी है जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने, चूंकि कल की डेडलाइन दी हुई है तो ये काफले आप देख सकते हैं। आयद हजबे इख्तलाफ चौधरी मोहम्मद यासीन भी JKLF के धरना में इजहार यकजहती करने पहुंच गए हैं। तफसील जानते हैं जसकोल में मौजूद अपने नुमाइंदे माजिद से। जी माजिद। जी यासीन साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? इस धरने में आपने शिरकत की है, आप कायदे पे इख्तलाफ भी हैं, आप किस किस्म का रोल प्ले कर सकते हैं इनके जो मौकफ है उसको हल करने के लिए, इनके मुतालबात जो हैं उनको हल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं ये समझता हूँ इनका जो जज्बा है उसको मैं सलाम पेश करता हूँ। 11 दिनों से जो है JKLF की लीडरशिप और उनके जो वर्कर्स हैं यहाँ एक अजीम मकसद के सूर के लिए यहाँ बैठे हैं और हम इनके, मैं ये समझता हूँ कि सबका काज एक है, नज़रियात अपने जवाब, लेकिन राय शुमारी का जो मुतालबा है वो सबका है। राय शुमारी होगी तो सब उसको कबूल करेंगे। जितना जुल्म और जबर हो रहा है हिंदुस्तानी फौज जो है जम्मू कश्मीर के अंदर कर रही है, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है और अकवाम आलम को, अकवाम मुत्तहदा को, इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हैं, मैन जो प्लेयर्स हैं, मैं समझता हूँ कि उनको चाहिए कि वो फिल फोर जो है वो हिंदुस्तान को इस बात पे जो है मजबूर करें कि वहाँ जो कर्फ्यू जो है वो लिफ्ट करें और लॉकडाउन ख़त्म करें। तो ये यहाँ इस धरने के वाले से जो मुतालबा JKLF की लीडरशिप का है कि P5 के जो ममालक हैं उनके अम्बेसडर जो है वो यहाँ आने चाहिए, UN के जो
آبزرورز ہیں انہیں یہاں آنا چاہیے اور ان سے بات کرنی چاہیے، اس کی میں پرزور بات میں حمایت کرتا ہوں. تو میں آج جا کے پرائم منسٹر سے بھی بات کروں گا کہ وہ خود بھی یہاں آئیں اور جے کے ایل ایف کی لیڈرشپ سے بات کر کے جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نکالیں. جی بہت شکریہ. ناظرین ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے ہر دل عزیز رہنما اور مرکزی چیف آرگنائزر راجہ حق نواز خان صاحب. ہم ان سے جانتے ہیں کہ اس آزادی مارچ اور دھرنے سے جے کے ایل ایف نے کیا کھویا اور کیا پایا اور مزید ان کی کیا حکمت عملی ہوگی. جی راجہ صاحب. جی 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 کائنات، آپ نے جو سوال پوچھا ہے کہ جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے اس دھرنے میں کیا کھویا اور کیا پایا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے تحریک آزادی جموں کشمیر کے حوالے سے بہت زیادہ اس میں پایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں انہوں نے چوک در چوک اس میں شمولیت اختیار کی ہے اور بلا تفریق مذہب، بلا تفریق نظریہ، بلا تفریق مسلک لوگوں نے اور تمام پارٹیوں کی صف اول کی قیادت نے وہاں جا کے ہمارے ساتھ کیا مطلب جو ہے نا وہ وہاں یکجہتی کا اظہار کیا ہے. اس سے ہٹ کے تو پوری دنیا کے اندر جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے اس دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ یعنی ہر جگہ پہ، یعنی جہاں کہیں بھی کشمیری دنیا کے جس بھی کونے میں ہیں، کونے میں ہیں، وہاں ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے، ان کی امیدوں میں اضافہ ہوا ہے اور جو کوئی تھوڑی بہت جو ہے نا وہ کہیں کمی بیشی تھی لوگوں میں کہ تحریک آزادی کے حوالے سے کوئی کام نہیں ہو رہا، تو اس کام کے حوالے سے لوگوں میں جو ہے نا ایک بڑا بھروسہ پیدا ہوا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے نا یہ اقدام تحریک آزادی کشمیر میں ایک نیا موڑ ہے اور ایک نیا یہ ٹرن ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آزادی اور خود مختاری کا جو مشن ہے اس میں جو ہمارا جو مشن ہے ہم اس کو جاری رکھیں گے اور یہ جو ہمارا دھرنا ہے یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک، یوں تو بہت سارے مقاصد ہم نے حاصل کر لیے لیکن پھر بھی ہم نے جو کچھ جو ہے نا کچھ جو باقی جو چیزیں ہیں اس دھرنے کے حوالے سے تو انشاءاللہ تعالی جو ہے نا وہ جب تک پوری نہیں ہوتی تو ہم جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے وہ جاری رکھیں گے. اور ابھی چونکہ بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع ہوا ہے، قائدین نے جو ہے نا وہ بھوک ہڑتال شروع کی ہوئی ہے، یہ بھوک ہڑتال بھی رہے گی اور یہ جب ختم ہوگا مرحلہ تو اس سے آگے ہم نئے مرحلے کا اعلان کریں گے جو ایک نیا امنگ ہوگا جموں کشمیر کے تحریک آزادی کشمیر کے لیے. ناظرین کوہٹا سے خبر آئی ہے کہ کامپرس اتحاد پی این اے کے کارکنان کو پولیس نے 4 گھنٹے حبس بیجا میں رکھ کر چھوڑ دیا. یہ کارکنان تحریک آزادی اور اہل ریاست پر مظالم کے خلاف پمپلٹس تقسیم کر رہے تھے. پولیس نے تمام لٹریچر اور جھنڈے بھی ضبط کر لیے. اس خبر کی وجہ سے دنیا بھر میں قوم پرستوں میں غم اور غصے کی لہر دوڑ گئی. ادھر برطانیہ جموں کشمیر پیپلز نیشنل الائنسز کا اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں کہا گیا کہ 21 اکتوبر کو پی این اے کے مارچ کو روکنے کی کوشش کی گئی تو بین الاقوامی سطح پر جواب دیا جائے گا. برطانیہ میں پی این اے کے پہلے اجلاس میں مختلف جمع کا اظہار خیال. برطانیہ سے رپورٹ کر رہے ہیں ہمارے نمائندے کبیر احمد خواجہ. السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں یہاں برطانیہ کے شہر نوٹنگم میں جہاں اس وقت ریاست جموں کشمیر کے پاکستان کے زیر کنٹرول حصے میں بننے والے نئے کوالیشن پی این اے کا برطانیہ میں آج یہ پہلا اجلاس جاری ہے. اس وقت یہاں تقریباً کوالیشن میں شامل تمام ہی پارٹیوں کے نمائندے موجود ہیں اور ایک سیر حاصل ڈسکشن کی جا رہی ہے. یقیناً پی این اے نے ایک اعلان کر رکھا ہے جس کے مطابق وہ 21 اکتوبر کو مظفر آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں. اس حوالے سے برطانیہ میں موجود تمام قوم پرست تنظیموں کے نمائندے جو یہاں موجود ہیں اور جو پی این اے کا حصہ ہیں وہ اس مارچ کو اپنی بھرپور حمایت کا یقین دلا رہے ہیں. یقیناً سفارتی سطح پر رہتے ہوئے نہ صرف ان لوگوں کا کام بنتا ہے جو وہاں میدان عمل میں ہوتے ہیں بلکہ یہی لوگ جو بین الاقوامی سطح پر موجود ہوتے ہیں ان کا ایک عام کام بنتا ہے کہ وہ سفارتی سطح پر اپنے وطن پر قابض ان قابضین کے خلاف کس طرح دنیا میں اپنی راہوں کو ہموار کر کے اپنی قوم اور اپنے وطن کو وہ کھوئی ہوئی پرانی حیثیت دلا سکیں. آج کا یہ اجلاس آنے والے وقت میں یہ ثابت کرے گا کہ کیا یہاں کی جانے والی باتوں پر عمل بھی کیا جاتا ہے یا ہمیشہ کی طرح یہ بھی سیاست کی نظر ہو جائیں گے. اسی پر اجازت چاہوں گا، دیگر تفصیلات جے کے ٹی وی کی مکمل رپورٹ میں آپ کے لیے پیش کی جائیں گی. ناظرین جس کول دھرنے نے جہاں پر عالمی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کیے ہوئے ہے وہاں کشمیر جنت نظیر کی ایک اور خوبصورتی بھی سامنے آئی ہے.
जिस कोल चिनारी के मुकाम पर होने वाले धरने की वजह से एक खूबसूरत आबशार दुनिया की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। हमारे साथ रिपोर्ट कर रहे हैं नईम खान, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हमारे रहीम नईम आप लोग के साथ हाजिर हूँ जेके टीवी से। इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये आबशार आपको नजर आ रहा होगा, देख सकते हैं कैसे ये पानी नीचे उतर रहा है, कितनी ज़बरदस्त इसकी आवाज़ है। क्या ये पैगामात हैं लोगों के, यहाँ पर लोग क्यों आके इकट्ठे हुए हैं आज देख रहे हैं। नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पर बड़ी तादाद में इंतज़ामिया भी मौजूद है जो यहाँ इस आबशार से कैसे लुत्फानंदोज़ हो रही है। और दूसरी तरफ अगर मैं दिखाऊँ तो शुरकाए धरना बैठे हुए हैं, वो भी आबशार की तरफ आना चाहते हैं लेकिन नहीं आ सकते क्योंकि ये मलकियत है उन लोगों की, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को रोका जा रहा है, उन्हें यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा। क्या ऐसा है कि अभी तक पाकिस्तान की तमाम जो है कश्मीर की जो हुकूमत है वो अभी तक खामोश बैठी हुई है, अभी तक उन्होंने यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया, कोई ऐसा इकदाम नहीं किया कि ये लोग आगे बढ़ के इस जगह तक आगे पहुँचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जेके टीवी नईम आप लोग के साथ हाज़िर हूँ इस वक्त जसकोल के मकाम से। अभी मैं आप कुछ दोस्तों से आपको मिलवाने वाला हूँ जो भूख हड़ताल पे अभी से बैठ चुके हैं, चूँकि जेके एल एफ का जो ऐलान था वो सुबह से शुरू हो रहा है, लेकिन ये दोस्त कफन भी इन्होंने पहन रखा है और ये देख सकते हैं बड़ी तादाद में ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मेरा अगर कैमरा आपको दिखा सके उस तरह से तो देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जी मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस वक्त अपने सुनने वालों को, क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी नईम भाई, हम सुनने वालों को ये पैगाम देना चाहते हैं, चूँकि हमारी क़यादत ने भी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस किया है कि सारे लोग घरों से निकलें। बुनियादी तौर पर हम यहाँ LOC के ऊपर आगे इसलिए बैठे हुए हैं, जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे हिंदुस्तान पाकिस्तान की कोई शेलिंग नहीं हो रही है। बुनियादी तौर पर यहाँ LOC के ऊपर जो शेलिंग हो रही है जिससे हमारे भाई मुतासर हो रहे हैं, हम वो जज्बा लेके वो जोश लेके जो है यहाँ LOC के ऊपर आए और कश्मीर के अंदर जो प्रैक्टिकली एक अरसे से कैफ्यू लगा हुआ है और उनके साथ जो हम जो उस तहरीक का हिस्सा बनने के लिए हम उनके साथ इधर यकजहती करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं और सारे लोगों को बाहर निकलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अब नहीं तो कभी नहीं, आज भी अगर लोग नहीं बाहर निकलेंगे तो जिस तरह हमारी मूवमेंट जो है 47 में जब हम उससे पहले हम एग्जिस्ट कर रहे थे एक स्टेट की सूरत में, तो उसके बाद आप ये देखें जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ड्यून हुई और उसके बाद शेख अब्दुल्ला साहब ने भी एक तवील अरसे तक जो है वो कश्मीर की एक तारीख में एक बड़े वो लीडर भी रहे, उनको जब जेल में बंद कर दिया गया तो फिर उसके बाद जब उनको जेल से रिहा किया गया तो वो कश्मीर के वो वज़ीर आला बन गए। उसके बाद आप ये देखें कि उसके बाद तवील डेड लॉक पैदा हुआ और 88 में जेके एल एफ ने फिर दोबारा से जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर जद्दोजहद का आगाज़ किया और उसके बाद आज आप ये देखें कि तहरीक किस मोड़ पे है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त लोगों को बाहर निकलना चाहिए, अब लोग नहीं निकलेंगे तो फिर ये लोग मायूस हो जाएंगे, तहरीक नहीं ख़त्म होने वाली, चूँकि बुनियादी तौर पर यह तहरीक जो है वो इसमें एक लाख शोदा की कुर्बानी है, इसमें लोगों ने अपनी ज़िंदगी जेलों की नज़र की है। ये नहीं हो सकता है कि ये तहरीक ख़त्म हो, इंशाल्लाह ये तहरीक मंजिल तक जरूर पहुंचेगी, लेकिन लोगों को इस वक्त निकलना चाहिए, हर आदमी को अपना किरदार अदा करना चाहिए। जी वो शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। मान रहीम JK TV नईम जसकोल के मकाम से इस वक्त आप लोगों के साथ मौजूद। अभी आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और भूख हड़ताल का ऐलान जो हुआ था आज, तमाम लोग जो यहाँ पर हैं सब भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और आप देख सकते हैं कारी नसीर साहब जो है वो कैसे पैगाम दे रहे हैं। साढ़े नक्के हो गए खाली, लुट के खा गए सारे पाकिस्तानी, हुन तुले ने दरिया साढ़े नू, हुन तुले ने दरिया साढ़े नू, मकाना चांदे न अथु पानी, एक कुम लुटे रे पाकिस्तानी, आए जालमो ए सारे नक्के कट के ले गए लकड़ी सारी, मुकाना चांदे हो सानू, मुकाना चांदे हो पानी साडा, तुसा कूमो पाकिस्तानी। जी हाँ, ये आप देख सकते हैं कि करी नसीर साहब ने इस वक्त कश्मीरी मर जावे यहाँ पर फिर असा कब्जा करिए दरिया शायरी शुरू कर दी है और बड़ी तादाद में लोग इनके पास आकर बैठे हैं और भूख हड़ताल में भी इस वक्त भूख हड़ताल भी आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर शुरू है। लाइन ऑफ कंट्रोल देरी नेजापीर हवेली हाजी पीर सेक्टर में भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग जारी। इतलात के मुताबिक हवेली हाजी पीर सेक्टर गाँव काइयां में भारतीय फ़ौज की फायरिंग अभी तक जारी। भारतीय फ़ौज की फायरिंग से इसहाक फारूकी और मलिक सफ़ीर अवान का मकान गोला लगने से तबाह।
गुज़श्ता रात को इंडियन फायरी से देहरी में गुलशाद इकबाल जोजा अब्दुलरहमान जख्मी हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल नेजा पीर सेक्टर के गांव भेड्डी के मुकाम पर भारतीय आर्मी की फायरिंग, जिससे एक शहरी मोहम्मद इखलाक वाल इस्माइल खान साकन बेड़ी जख्मी हो गया। राजा फारूक हैदर की भारतीय फायरिंग से जख्मी अफराद की अयादत और इमदादी चेक तकसीम किए। वज़ीर आज़म ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसने वाले गयूर आवाम की जुरत को सलाम पेश करता हूँ, जो अपना खून देकर तहरीक आज़ादी में हिस्सा डाल रहे हैं। राजा फारूक हैदर का मजीद कहना था कि कंट्रोल लाइन से कोई शख्स नकल मकानी नहीं करेगा। आज़ाद कश्मीर के अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उनका कहना था कि भारत की किसी भी शर अंगेज़ी और मुहिम जोई का मुँह तोड़ जवाब देने के लिए पाकिस्तानी अफवाज तैयार हैं। JK TV, the voice of the voiceless. Like it and click on following and click on see first. Then you will get all the new notifications and updates.